लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों को लाने की तैयारी को लेकर ग्वालियर स्टेशन में रेल प्रशासन की भागम भाग शुरू हो गई है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में फंसे मजदूर मध्य प्रदेश लौटेंगे। इनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। स्पेशल ट्रेन आने की खबर मिलने पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों ने संयुक्त बैठक की है, लेकिन ये किसी अधिकारी को नहीं पता कि कब कौन सी ट्रेन किस राज्य से स्टेशन में आएगी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह हरियाणा से ग्वालियर ट्रेन आएगी। इस ट्रेन में लगभग 1200 से अधिक मजदूर ग्वालियर आएंगे। खैर, रेलवे प्रशासन ने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके तहत स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दिया गया है, ताकि यात्री कतारबंद तरीके से मुख्य द्वार तक पहुंचे। वहीं स्टेशन में 5 फीट की दूरी पर गोला बनाकर यात्रियों को खड़ा करने के लिए जगह बनाई गई है। सभी की जांच होगी, उसके बाद ही सब घर जा पाएंगे। स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों को लेकर रेलवे अधिकारियों ने जहां स्टेशन का निरीक्षण किया, वहीं ये भी तय किया कि स्पेशल ट्रेन से आने वाले मजदूरों की जिला प्रशासन द्वारा जांच की जाएगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा से ट्रेन गुरुवार शाम 8 बजे चलेगी और शुक्रवार सुबह 5 बजे ग्वालियर आने की संभावना है। रेलवे और जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने के बाद भी अब रेलवे विभाग द्वारा ट्रेन चलाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यही कारण है कि 17 मई के बाद रेलवे टिकट बुक नहीं हो रहे, आरक्षण खिड़कियां बंद हैं। इससे साफ जाहिर है कि ट्रेनें अभी और देरी से चलेंगी। ये श्रमिक ट्रेन है जो हरियाणा के लुधियाना से आज रात्रि को 8 बजे चलेगी और करीब सुबह 5 बजे ग्वालियर स्टेशन आने की उम्मीद है, और इसमें 1200 अप्रवासी श्रमिक जो हैं वो आ रहे हैं, और कोविड-19 के देखते हुए जो WHO के दिशा निर्देश हैं उनका पूरा पालन करते हुए स्टेशन के ऊपर भी उनकी डिस्टेंसिंग के आधार पर गोले बनवाए गए हैं जो 6-6 फीट के ऊपर हैं, यहाँ प्रत्येक उनको बिठाला जाएगा, और डॉक्टर्स की 7 या 8 टीमें हैं जो उनकी यहाँ पर प्रत्येक उसकी स्क्रीनिंग करेंगी, और स्क्रीनिंग करने के बाद संबंधित जिलों की बसें जिला प्रशासन द्वारा स्टेशन के बाहर लगाई जाएंगी, जिनमें भिंड, मुरैना, दतिया या जहाँ के भी श्रमिक आते हैं उनको सभी को बैठाला जाएगा, और साथ में प्रशासन की तरफ से उनको भोजन के और पानी की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि स्क्रीनिंग करते समय काफ़ी टाइम लगेगा। तो स्टेशन के ऊपर सभी व्यवस्थाएँ WHO के द्वारा जो निर्देश दिए गए उन्हीं के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए की जा रही है।